हेलो फ्रेंड्स, हम जो है अब तक होमोजीनियस का जो टॉपिक था वो कवर हम कर चुके हैं और आज मैं आपको शुरू करा रहा हूँ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आपको ये नज़र आ रहा होगा कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्यों है, क्योंकि मैंने आपको फ़र्क बताया था होमोजीनियस इक्वेशन में जो है आपके पास कॉन्स्टेंट नहीं होते। तो यहाँ पर जो है आपको कॉन्स्टेंट नज़र आ रहे हैं, वन है और इस ब्रैकेट में माइनस वन है। और एक और डिफरेंस जो है मैंने आपको बताया था कि आप x की जगह xt पुट करते हैं, y की जगह yt पुट करते हैं, और इसके बाद जब आप फिर वो t कॉमन निकालते हैं तो आपके पास क्वेश्चन वापस सेम आ जाता है। बट यहाँ पे अगर आप x की जगह xt रखेंगे, y की जगह yt रखेंगे और जब t कॉमन निकालेंगे तो x सेम आ जाएगा, y सेम आएगा, बट 1 के नीचे 1 अपॉन t आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके पास फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्वेशन जो है नॉन होमोजीनियस है। अब ये तो आपको पता चल गया होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में हम किस तरह डिफरेंस करेंगे। अब जो है अगर इक्वेशन आपके पास नॉन होमोजीनियस आ जाती है तो उसमें जो है आपके पास दो केसेस होते हैं। आज जो है हम केस वन करेंगे और उसकी आज एक ही एग्जांपल हम करेंगे और इसके बाद हम केस टू शुरू करेंगे। तो केस वन इसका क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पास अगर केस वन है तो आपके पास जो है वो ए वन अपॉन ए टू इक्वल होगा बी वन अपॉन बी टू के। अब ये ए वन ए टू बी वन बी टू क्या है, आपके पास जो डी एक्स का जो भी ब्रैकेट होगा उसके अंदर जो आप वैल्यूज निकाल रहे होंगे वो ए वन और ए टू की होगी, और डी वाई का जो भी ब्रैकेट होगा उसके अंदर जो वैल्यूज निकालेंगे वो बी वन और बी टू की होगी। ए वन वैल्यू कौन सी होगी, डी एक्स के ब्रैकेट के अंदर एक्स का जो भी कोफिशेंट है, डी एक्स का जो ब्रैकेट है आपके पास उसके अंदर x का जो भी कोफिशेंट है वो आपका a1 होगा, और dx के ब्रैकेट में y का जो भी कोफिशेंट है वो आपका a2 होगा। इसी तरह dy के ब्रैकेट में x का जो कोफिशेंट है वो आपके पास b1 होगा, और dy के ब्रैकेट में y का जो भी कोफिशेंट आपके पास होगा वो आपका b2 होगा। तो अगर जो है ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल आ जाए तो मींस ये केस वन है आपका, और इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम आगे अभी देखेंगे। तो अब जो है आप वैल्यूज पुट कर लें, तो ये डी एक्स का ब्रैकेट है और ये एक्स है, तो एक्स का कोफिशिएंट आपके पास टू है, मींस ए वन की जो वैल्यू है वो आपके पास टू है, अपॉन डी एक्स के ब्रैकेट के अंदर वाई का जो कोफिशिएंट है वो ए टू है, तो वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो वन है, तो हम यहाँ लिखेंगे वन, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू डी वाई के ब्रैकेट के अंदर एक्स का जो कोफिशेंट है वो आपका बी वन होगा, तो उसकी वैल्यू फोर है तो हम फोर लिखेंगे। और इसी तरह डी वाई के ब्रैकेट में वाई का जो कोफिशेंट है वो आपके पास बी टू होगा, तो उसकी वैल्यू टू गिवन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टू इक्वल टू टू आ जाएगा। तो जब भी आपके पास इस तरह का रिलेशन आ जाए कि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाए तो आपके पास नॉन होमोजीनियस का केस वन होगा, और इसमें अजम्पशन अलग होगी। केस टू में भी जो है आपके पास ए वन जो रिलेशन है ये नॉट इक्वल आएगा, तो आप उससे समझ जाएंगे कि आपके पास केस टू है, उसकी अजम्पशन अलग है, केस वन की अजम्पशन अलग होगी। केस वन में जो है हम अजम्पशन ये करते हैं कि जब हम इसकी फॉर्म चेंज करते हैं तो ये वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म बन जाती है। इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहला काम आपको जब केस आप पहचान लेंगे तो वही होमोजीनियस वाला काम करना है कि आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको राइट साइड पर भेज देनी है, और आपको जो है सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए हमें जो है डिवाइड कराना पड़ेगा डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो इसको सॉल्यूशन करके स्टार्ट करते हैं। तो मैं करा रहा हूँ डिवाइड बाय डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो जब हम डी एक्स बोथ साइड से डिवाइड कराएंगे तो ये डी एक्स और डिवाइड वाला डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा टू एक्स प्लस वाई प्लस वन, और ये मैं डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे इसलिए इसको लिख नहीं रहा, प्लस फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी वाई तो है ही और डी एक्स हमने डिवाइड कराया तो ये डी एक्स आ गया, और ज़ीरो अपॉन डी एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ब्रैकेट जो है आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस में है, इस तरफ जब मैं भेजूँगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स, और इस तरफ जो है कंप्लीट ब्रैकेट आ जाएगा माइनस के साइन के साथ, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई प्लस वन,
और इस ब्रैकेट की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी जो है राइट साइड पर भेज देंगे। तो यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो बन जाएगी माइनस ब्रैकेट टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इक्वेशन ए का मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ। तो ये काम तो सेम है जिस तरह हम होमोजीनियस में करते थे, डी वाई ओवर डी एक्स की हम वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ तक का काम करने के बाद आप अजम्पशन करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट सपोज, और अजम्पशन आपकी हर दफ़ा ये सेम होगी। अजम्पशन ये है कि हम समझ लेंगे कि जेड जो है एक वेरिएबल है जो इक्वल है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई। अब यहाँ पे आपका ए वन और ए टू अलग हैं। ए वन जो आपकी वैल्यू है वो जो वैल्यू होगी वो आपके पास डी एक्स के ब्रैकेट में एक्स का कोफिशेंट होगा। तो ए वन यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास ए वन है वो डी एक्स के ब्रैकेट में एक्स का कोफिशेंट होगा। तो एक्स का कोफिशेंट क्या है, टू। तो ए वन आपके पास क्या है, टू। और इसी इक्वेशन में जो है बी वन आपका क्या होगा, डी एक्स के ब्रैकेट में वाई का जो कोफिशेंट है वो आपका बी वन होगा। तो बी वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वन। अब आपको ये जहन में रखना है यहाँ का बी वन और केस वन पहचानने के लिए बी वन, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें जो है आपको डिफरेंस रखना है वरना आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो ए वन जो है आपका डी एक्स के ब्रैकेट में एक्स का कोफिशेंट हो गया, बी वन आपका डी एक्स के ब्रैकेट में वाई का कोफिशेंट हो गया। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई। जब आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी तो फिर आप जो है बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो डी जेड ओवर डी एक्स आ जाएगा, और इसका जब हम टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वन हो जाएगा तो ये टू बचेगा, और वाई का जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से जो है आपको वैल्यू निकाल लेनी है डी वाई ओवर डी एक्स की, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन ए का नाम दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू जो है हम यहाँ से अब निकाल सकते हैं। टू यहाँ पे प्लस का है, अगर मैं इसको यहाँ पे भेज दूँगा तो मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यही कर रहा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, ये सिंपल मैंने इसको इस तरफ लिख दिया है, और ये टू इधर आके माइनस का होगा तो ये बन जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस टू। तो ये जो है आपके पास वैल्यू आ गई डी वाई ओवर डी एक्स की। तो इस वैल्यू को जो है मैं इक्वेशन ए में पुट कर सकता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स को रिप्लेस करके डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस टू में रख सकता हूँ। और इसी तरह से जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो टू एक्स प्लस वाई है। तो जिस तरह हम होमोजीनियस में काम करते थे कि हम वाई को रिप्लेस कर देते थे वी से, इस तरह हम यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हम वाई को रिप्लेस कर रहे हैं जेड से। तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हमारे पास फॉर्म चेंज होकर जेड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेशन ए में हमारे पास लिखा हुआ है टू एक्स प्लस वाई, और जेड की वैल्यू भी आपके पास है टू एक्स प्लस वाई। तो हम यहाँ पे जेड इसकी जगह लिख सकते हैं। इसी तरह जो है यहाँ पर है फोर एक्स प्लस टू वाई, तो अगर आप यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा टू एक्स प्लस वन, और उसकी जगह हम लिख सकते हैं जेड। इसको मैं करके बताता हूँ, आप यहाँ पर लिख देंगे पुट डी वाई ओवर डी एक्स इन इक्वेशन ए, और z भी आप पुट करेंगे एंड z ऑल्सो लिखते हैं। तो जब हम इसको इक्वेशन a में पुट करेंगे तो dy ओवर dx की जगह आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ dz अपॉन dx माइनस टू इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन, अब ये टू जो है मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाना है यहाँ पे टू एक्स प्लस वाई। 2x प्लस वाई बनाने के लिए मैं अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई, और ये माइनस वन जो है आपका इसी तरह रहेगा। तो अब जो है 2x प्लस वाई की जगह मैं z रख सकता हूँ, इस 2x प्लस वाई की जगह मैं z रख सकता हूँ। तो मैं यही कर रहा हूँ डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस टू, और ये जो है आपका इक्वल हो जाएगा माइनस z प्लस वन अपॉन टू जेड माइनस वन। सिंपल मैंने जो है z की वैल्यूज पुट की हैं, और अब जो है आप यहाँ देख रहे हैं माइनस टू जो है यहाँ पे माइनस का है, मैं यहाँ के इसको प्लस का कर दूंगा
क्योंकि मुझे जो है अब यहाँ पे वही काम हो गया वेरिएबल सेपरेबल वाला, हम यहाँ पे जेड को कम्प्लीट सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और इसके बाद जो है एक्स को एक तरफ कर देंगे और जेड को एक तरफ कर देंगे। तो अब जो है ये टू यहाँ माइनस का था, यहाँ आके मैं जो इसको प्लस का कर दूंगा, तो ये बन जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस जेड प्लस वन अपॉन टू जेड माइनस वन प्लस टू। और इसको जो है हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो माइनस जेड माइनस वन प्लस टू टू जेड माइनस वन अपॉन टू जेड माइनस वन। और इसको जो है हम और जब सॉल्व करेंगे तो माइनस जेड माइनस वन टू टू द फोर जेड हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा माइनस टू अपॉन में आपके पास जो है टू जेड माइनस वन चलता रहेगा। इसके बाद जो है माइनस जेड प्लस फोर जेड जो है थ्री जेड बन जाएगा, इसी तरह माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री बन जाएगा, और नीचे आपके पास आ गया टू जेड माइनस वन। अब जो है ये और ज़्यादा रिड्यूसेबल नहीं है, तो मैं इसको और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकता, और आपके पास यहाँ पर ये चलता रहेगा डी जेड ओवर डी एक्स। इसको जो है सिंपल आप यहाँ तक कॉपी करेंगे, और अब आप देख रहे हैं कि हम जो है इसको फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, जेड को एक तरफ ला सकते हैं और एक्स को एक तरफ ला सकते हैं। तो जो है आप ये काम यहाँ पे कर लेंगे, ये जेड का जो ब्रैकेट है टू जेड माइनस वन यहाँ पर डिवाइड पर यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू जेड माइनस वन, और इसके साथ जो है डी जेड है ये ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा थ्री जेड माइनस थ्री, और यहाँ पर जो है सिंपल डी एक्स आ जाएगा। और अब जो है हम इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। यहाँ पे जो है आपके पास कुछ भी नहीं है, मींस एक्स की पावर ज़ीरो है, तो एक्स की पावर जब ज़ीरो हो तो आपके पास उसका इंटीग्रल आता है एक्स, ये आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक्स की पावर ज़ीरो है। तो एक्स की पावर ज़ीरो को जब हम इंटीग्रल निकालेंगे तो एक्स आएगा, और इसके साथ जो है एक कांस्टेंट आएगा। राइट साइड आपकी सॉल्व हो चुकी है, लेफ्ट साइड में अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन का काम करना है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थ्री जेड माइनस थ्री है और टू जेड माइनस वन है, इसको अगर हम इसी तरह सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम जो है यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो इससे क्या बनेगा, ये टू जेड के साथ एक ब्रैकेट आ जाएगा टू जेड अपॉन थ्री जेड माइनस थ्री माइनस वन अपॉन थ्री जेड माइनस थ्री और डी जेड। तो अब जो है हमें इस पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और इस पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ से मैं काम क्या कर रहा हूँ कि जो फॉर्म नीचे बनी हुई है वही फॉर्म, क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर लेना चाहूँ तो नहीं ले सकता, थ्री जेड माइनस थ्री का डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो थ्री आएगा, और ऊपर जो है आपके पास जेड है, तो ये जो है इस तरह सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब मैं काम ये करूँगा कि जो फॉर्म मेरे पास नीचे है वही फॉर्म मैं ऊपर बनाऊँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन सब को जो है आप पहले अलग अलग इंटीग्रल इन पे अप्लाई कर दें। तो यहाँ से जो है टू कॉमन है तो मैं टू को निकाल रहा हूँ बाहर, मुझे इसकी नीड नहीं है। इसी तरह नीचे से मैं थ्री कॉमन निकाल सकता हूँ, थ्री जेड माइनस थ्री में से थ्री कॉमन निकलेगा तो जेड माइनस वन बचेगा, तो ये हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस वन और डी जेड। इसी तरह माइनस का फिर साइन है, और यहाँ पर आपके पास वन अपॉन, यहाँ से भी आपके पास थ्री निकल रहा है कॉमन, तो यहाँ से भी मैं वन अपॉन थ्री कर दूंगा इसको, और इस पर इंटीग्रल जब हम लगाएंगे तो यहाँ बचेगा वन अपॉन जेड माइनस वन डी जेड। और यहाँ राइट साइड पर आपके पास है एक्स प्लस सी। इस स्टेप में सिंपल मैंने करा ये कि टू की यहाँ पे मुझे नीड नहीं थी इसलिए मैंने टू को निकाल दिया बाहर, और थ्री जेड माइनस थ्री जो है एक बड़ा नंबर बन रहा था इसलिए मैंने इसको थ्री को कॉमन लेके सिंपल जेड माइनस वन बना दिया, और इंटीग्रल का साइन से मल्टीप्लाई कराया डी जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो ये फॉर्म बन गई। फिर माइनस का साइन था मैंने माइनस लगाया, और यहाँ भी मुझे थ्री की नीड नहीं थी तो मैंने थ्री कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, और इस पर सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई किए। अब जो है मुझे जेड माइनस वन ऊपर भी बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस वन लाना पड़ेगा, और जब हम माइनस वन लाएंगे तो प्लस वन भी आएगा, तो आप जो है माइनस वन और प्लस वन ऊपर ऐड कराएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ जेड माइनस वन प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन,
डी जेड माइनस वन अपॉन थ्री, और इधर जो है हमें सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। नीचे जो है जेड माइनस वन है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ यू इक्वल टू जेड माइनस वन, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे यू डैश, तो आपके पास वन आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एल एन जेड माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी, और यहाँ पर जो है ये इसी तरह टू अपॉन थ्री कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन ब्रैकेट बन गया, तो आप यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये बन जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे बीच में, फिर वन अपॉन जेड माइनस वन डी जेड माइनस वन अपॉन थ्री एल एन जेड माइनस वन, और इक्वल पे आपके पास एक्स प्लस सी चलता रहेगा। इसमें सिंपल मैंने जो है एलसीएम ब्रेक किया है, जेड माइनस वन प्लस वन था तो जेड माइनस वन मुझे चाहिए था, तो मैंने इसको ब्रेक अलग कर दिया और प्लस वन को ब्रेक अलग कर दिया। अब ये कंप्लीट ब्रैकेट कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आपके पास बचा इंटीग्रल ऑफ वन प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन डी जेड माइनस वन अपॉन थ्री एल एन जेड माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब जो है हम इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, तो वन का जब आप इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू हम जेड ले रहे हैं तो ये आ जाएगा जेड, इसको मैंने सिंपल इंटीग्रल अप्लाई किया है, और ये चूँकि ब्रैकेट में है तो यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट में ही रखेंगे। इंटीग्रल ऑफ वन डी जेड जो है वो जेड होगा, इसके बाद आएगा प्लस का साइन, और वन अपॉन जेड माइनस वन का इंटीग्रल क्या होगा, तो अगर जिस तरह हमने यहाँ पे यू सपोज किया था जेड माइनस वन, तो इसका भी सेम ही आएगा एल एन जेड माइनस वन, तो ये इंटीग्रेट हो गया। और यहाँ पे आपके पास है माइनस वन अपॉन थ्री एल एन जेड माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। टू अपॉन थ्री को जो है आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हो जाएगा, ये कंप्लीट ब्रैकेट है, तो टू अपॉन थ्री सेट हो जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस टू अपॉन थ्री एल एन जेड माइनस वन माइनस वन अपॉन थ्री एल एन जेड माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप चाहें तो इसको और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, कि जिस तरह हमें पता है कि टू अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, यहाँ पे आप एल एन को कॉमन ले लेंगे तो ये जो है और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, बट क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया तो इसकी ज़रूरत नहीं भी है। अगर आपने इतना इस स्टेप तक कर लिया है और ये इतना रिड्यूस कर लिया है, तो एंड में जो है आपको जेड की वैल्यूज पुट कर देनी है, जिस तरह उसमें जो है हम वी की वैल्यू पुट कर लेते थे, तो यहाँ पर आपने जेड की वैल्यू आपको मालूम है टू एक्स प्लस वाई है, तो जहाँ जहाँ जो है आपके पास जेड है वहाँ पर आप उसकी फॉर्म चेंज करके उसमें उसकी वैल्यू जो है एक्स वाई की फॉर्म में उसको पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टू अपॉन थ्री, और जेड की जगह आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई, इसी तरह यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टू अपॉन थ्री एल एन, और जेड की जगह आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई, और माइनस वन सेम रहेगा। इसी तरह यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री एल एन टू एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ तक भी काफ़ी है, ये और ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है अगर जो है आप इसमें से एल एन की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, कि एल एन जो है आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है ए एल एन बी, तो जो है एल एन बी पावर ए हो जाएगा, तो ये टू अपॉन थ्री जो है इसकी पावर में चला जाएगा। इसी तरह ये प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई होगी, तो एल एन इस ब्रैकेट की पावर में माइनस वन अपॉन थ्री चला जाएगा। इसके बाद जो है आप एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कि एल एन जो है, एक और प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है एल एन ए माइनस एल एन बी, अगर आपके पास हो तो ये बनता है एल एन ए अपॉन बी। तो आप चाहें तो इसको और ज़्यादा रिड्यूस इस तरह कर सकते हैं, कि पहले तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो टू अपॉन थ्री इसकी पावर में आ जाएगा, माइनस वन अपॉन थ्री इसकी पावर में आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में जो है माइनस का साइन है, तो एल एन ए जो है आपका ये ब्रैकेट बन जाएगा, माइनस एल एन बी जो है आपका ये ब्रैकेट बन जाएगा, और इसके बाद जो है आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी,
ln a अपॉन b, तो 2x प्लस y माइनस 1 और इसकी जो भी पावर होगी वो आपका a बन जाएगा, और डिवाइड में 2x प्लस y माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 3 जो ये पावर है ये आपका b बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर यहाँ तक करें तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये जो है केस वन था नॉन होमोजीनियस का, और इसमें आपने देखा कि अजम्पशन थोड़ी चेंज है, नॉन होमोजीनियस का केस वन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल इसमें जो है ये बातें याद रखनी है कि ए वन ए टू क्या है, बी वन बी टू क्या है, और आपको इसमें किस तरह इसको इक्वेट कराना है सिंपल। इसके बाद लेट सपोज जब आप करते हैं तो आपको इसमें यहाँ पर याद रखना है ए वन और बी वन आप किस तरह निकाल रहे होते हैं। ए वन जो है आपका डी एक्स के ब्रैकेट में एक्स का कोफिशेंट होता है, बी वन जो है वो आपका डी एक्स के ब्रैकेट में वाई का कोफिशेंट होता है। ये वैल्यूज निकालने के बाद आप सिंपल जो है वही काम कर रहे होते हैं जो आपने जो है होमोजीनियस में करा हुआ है, कि वेरिएबल सेपरेट कर रहे होते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं और x और z को सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई की है। यहाँ पर इंटीग्रेशन थोड़ी सी कह सकते हैं कि मुश्किल थी, तो उसमें जो है ज़्यादा स्टेप्स लग गए, अदरवाइज़ जो है क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, अभी भी आपको लग रहा है कि इसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो केस वन से रिलेटेड मैं और एग्जांपल्स डाल दूंगा। अभी मैं इससे रिलेटेड और एग्जांपल नहीं डाल रहा, अगर आपको लगता है कि ऐसी और एग्जांपल्स की आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। इसके अलावा जो है सब्सक्राइब करके रखें मेरे चैनल को, ताकि जो है लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे, और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें तो उससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स।